हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। लास्ट क्लास में हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखा था। आज हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। जब आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो जो ऑपरेटर इक्वल टू साइन वाला जो ऑपरेटर आप यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट साइड। मीन्स अगर आपने यहां पर लिखा है ए इक्वल टू 5, दैट मीन्स ये 5 जो है वो किससे असाइन हो रही, ए को। अब कहीं पर भी अगर आप प्रिंट करते हैं ए को, देन इसकी वैल्यू ये रिटर्न जो करेगा आपका वो 5 ये रिटर्न करेगा। तो यहां पर आपकी 5 वैल्यू असाइन हो गई है वेरिएबल ए को। सो इक्वल टू असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड। जैसे आपने नम वन इक्वल टू 2 लिखा है और नम टू इक्वल टू नम वन लिखा है, तो नम वन की वैल्यू नम टू में असाइन हो गई है, देन नम टू आप प्रिंट करेंगे तो आपका 2 ये रिटर्न करेगा। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज आप डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी आपने पढ़े हैं उन सभी पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहां लिखा है प्लस इक्वल टू, इट एड द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। अगर आपने लिखा है एक्स प्लस इक्वल टू वाई लिखा है तो ये इक्वल टू है आपका, ये इक्वलेंट होगा आपका एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स में y की वैल्यू ऐड हुई और फिर y में x में ही आपका क्या हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा। जैसे यहां पर लिखा भी है num की वैल्यू 10 है, num1 की, num2 की वैल्यू 2 है, num1 प्लस इक्वल टू num2, इसका मीनिंग क्या है, num1 इक्वल टू हो चुका है आपका num1 प्लस num2, num2 हुआ और num1 में स्टोर हो गया। तो आप जब num1 को प्रिंट करेंगे तो ये 12 आपका रिटर्न करेगा और num2 को अगर प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू तो आपकी 2 है, वो 2 ही रहेगी। इसी तरीके से आप प्लस ऑपरेटर में आप जब क्या करते हैं स्ट्रिंग के साथ इसको परफॉर्म करते हैं तो वो कॉन्कैटिनेट कर देता है आपकी वैल्यू को। सिमिलरली आप माइनस ऑपरेशन के थ्रू भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, माइनस के अंदर भी आप इक्वल टू राइट अप कर दे तो ये इक्वलेंट होता है आपका एक्स माइनस इक्वल टू वाई, सेम एज अ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। जैसे आपने लिखा है यहां पर नम वन टेन नम टू टू, तो नम वन माइनस इक्वल टू नम टू, इसका मतलब क्या है, नम वन इक्वल टू नम वन माइनस नम टू। तो नम वन की वैल्यू कितनी थी आपकी 10 माइनस 2, यानी कितना आ गया आपका 8, नम वन की वैल्यू 8 हो गई, तो यहां पर आपने प्रिंट किया तो ये 8 आपका रिटर्न करेगा। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपने कहा x मल्टीप्लाई इक्वल टू y, इसका मीनिंग क्या है, x इक्वल टू x इंटू y है, दोनों मल्टीप्लाई हुए और x में ही आपका स्टोर हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल यहां पर देख भी सकते हैं, नम वन टू है, नम थ्री, नम टू आपका थ्री है, तो नम वन इक्वल टू टू थ्री आपने किया है तो यानी नम वन की वैल्यू क्या थी, टू, टू इंटू थ्री आपका नम वन में स्टोर हो जाएगा, 6 आपका रिटर्न हो जाएगा। ऐसी स्ट्रिंग के साथ अगर आप ये परफॉर्म करेंगे तो 3 बार वो क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगी सेम स्ट्रिंग। डिवाइड के साथ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं इसको, डिवाइड द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, लेफ्ट साइड को आपका वो प्रोवाइड कर देगा आपका। सिमिलरली मॉडुलस ऑपरेटर के साथ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, फ्लोट डिविजन पे भी आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल सिंबल के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू साइन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर लिखा है एक्स एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इक्वल टू वाई, इसका मीनिंग क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई, देन अगेन स्टोर कहाँ हो गया आपका, x में वो स्टोर हो गया। जैसे एग्जांपल की बात करें, नम वन की वैल्यू 2 है, नम 3, नम 2 आपका 3 है, तो यहां पर आपने नम 1 एक्सपोनेंशियल सिंबल इक्वल टू नम 2, इसका मीनिंग क्या है आपका, नम 1 इक्वल टू हो चुका है आपका नम 1 एक्सपोनेंट ऑफ नम 2, एंड नम 1 की वैल्यू क्या थी आपकी, नम 1 है 2, तो 2 की पावर 3 आपका कितना हो गया, 8 हो गया, देन नम 1 को आप जब प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8 ये रिटर्न करेगा। तो ये आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको हम लोग सिस्टम पे देखते हैं, चलिए सिस्टम पे चलते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसमें प्रोग्राम कैसे आपका परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले आप परफॉर्म करिएगा, आईडीएली को ओपन कर लीजिए, अपने आईडीएली को आप ओपन करेंगे, देन न्यू फाइल आप क्रिएट कर लीजिएगा, फाइल में जाके न्यू फाइल आप क्रिएट करेगा। हम लोग इसको सेल मोड पे करेंगे, स्क्रिप्ट मोड पे हम लोग करेंगे इसको, एंड फाइल को सेव कर लीजिए आप। सबसे पहले आप सेव कर लीजिएगा, सेम फोल्डर आपने बनाया होगा पहले, सो पाइथन नेम से मैं फोल्डर बना ले रहा हूँ, आप पेज में पहले से बना हुआ है, तो इसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं आपके असाइनमेंट डॉट पी वाई से, असाइनमेंट डॉट पी वाई से आप इसे सेव कर देते हैं। लेट्स, आपने एक नंबर लिया है नम वन इक्वल टू, इसकी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं आपने 2, एंड दूसरा आपने कहा नम टू इक्वल टू क्या कर दिया आपने, नम वन कर दिया, एंड देन
अगर आप यहां पर प्रिंट कर रहे हैं किसे, num2 को, दैट मीन्स आपने क्या कर दिया है, आपने यहां पर असाइन कर दी है num1 की वैल्यू किस पे, num2 को। अगर आप प्रिंट num2 को करते हैं तो num2 की वैल्यू भी आपकी क्या प्रिंट करके देगा, ये कंट्रोल एस कर लीजिएगा, आप सेव कर लीजिएगा एंड देन रन आप करेंगे तो आपका 2 ही रिजल्ट यहां पर क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। दूसरी कंडीशन अगर आप यहां पर ये कहते हैं कि आपने कहा हमने एक वेरिएबल लिया है a इक्वल टू 10 हमने लिया एंड दूसरी वैल्यू b इक्वल टू मैंने क्या लिया यहां पर 2 ले लिया एंड देन हमने यहां पर किया a प्लस इक्वल टू। अब ये हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज कर रहे हैं जिसे हम परफॉर्म कर रहे हैं आपका एडिशन ऑपरेशन के साथ। तो आपने कहा a प्लस इक्वल टू बी एंड देन अगर आप यहां पर प्रिंट करते किसको a को, तो a की आपकी न्यू वैल्यू यहां पर क्रिएट हो जाएगी दैट इट कैन बी रिटर्न। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस बी, इसका मीनिंग ये है आपका a इक्वल टू a प्लस बी, यानी a और b दोनों ऐड हुए और कहां स्टोर हो गए, a के अंदर ही आपका स्टोर हो गया। तो यहां पर जो आउटपुट आपको रिटर्न करके देगा वो देगा ये 12 आपका ये रिटर्न करके देगा आउटपुट में। सो ये सेकंड कंडीशन है। इसी तरीके से अगर आपको स्ट्रिंग में ये चीज लगता है str1 में आपने यहां पर राइट अप किया हेलो हमने लिखा है एंड दूसरा str2 में हमने यहां पर लिखा आपका स्टूडेंट। अब देखिए आप यहां पर भी यही कर सकते हैं str1 प्लस इक्वल टू str2 आप कर रहे हैं एंड देन आप प्रिंट करेंगे यहां पर str1 को। तो स्ट्रिंग के केस में ये क्या कर देता है आपका, इसका मीनिंग भी यही है आपका str1 इक्वल टू क्या हो जाएगा str1 प्लस str2, यानी जो आपका आउटपुट इसमें रिटर्न करके देगा वो क्या देगा, इन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा आपका हेलो स्टूडेंट, विदाउट स्पेस के आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न करके दे देगा एज अ आउटपुट। तो जब आप प्लस ऑपरेटर किसमें स्ट्रिंग में राइट अप करते हैं तो उस केस में ये आपका कॉन्केटिनेट करके वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। सिमिलरली आपने फिर से यहां पर कोई वेरिएबल डिफाइन किया, एक्स इक्वल टू 10 आपने लिखा, वाई इक्वल टू आपने 2 डिफाइन कर दिया। अब आप यहां पर कह रहे हैं एक्स माइनस इक्वल टू 1, तो ये भी सेम है आपका एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये डिफाइन कर रहा है आपका। देन अगर आप यहां पर प्रिंट करते हैं किसे, एक्स को आप प्रिंट करेंगे तो ये रिटर्न करेगा आपका 8 वैल्यू। देखिए ये आपका आउटपुट में 8 वैल्यू आपका ये रिटर्न करेगा। तो इसी टाइप से आपके ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ आप यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका इक्वल टू जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक और हम लोग कर लेते हैं पावर सिंबल के साथ कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर डिफाइन किया है के इक्वल टू, हम के इक्वल टू लिखा है 2 एंड p इक्वल टू लिखा हुआ है यहां पर 3। देन हमने यहां पर क्या किया k डबल स्टार इक्वल टू p कर दिया, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है k इक्वल टू k की पावर p। जब k की पावर p करेंगे यानी 2 की पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8। तो यहां पर अगर आप प्रिंट करते हैं किसे, k को आप प्रिंट करते हैं तो आपका ये 8 आउटपुट में रिटर्न करके देगा आपको एज अ आउटपुट। तो इस टाइप से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है। इसमें ऑल टाइप के आप अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। थैंक यू स्टूडेंट।